टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला, दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। महिला टीम ने ग्रुप दौर में लगातार 3 मैच हारने के बाद की वापसी, अर्जेंटीना ने ग्रुप मुकाबलों में सिर्फ 1 मैच गंवाया। महिला बॉक्सिंग के वेल्टरवेट वर्ग में भारत की लवलीना की आज टर्की के खिलाड़ी से सेमीफाइनल में भिड़ंत, सुबह 11 बजे शुरू होगा मुकाबला। आज का मुकाबला जीतने पर ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनेंगी लवलीना, कम से कम कांस्य पदक पहले ही पक्का। पुरुषों की कुश्ती में आज भारत के रवि दहिया और दीपक पुनिया अगले दौर के लिए लगाएंगे जोर। महिला वर्ग में अंशु मलिक का बेलारूस की पहलवान से मुकाबला। हिमाचल प्रदेश में चंबा में भारी बारिश ने फिर मचाई तबाही, मलबे की बाढ़ में बस समेत कई गाड़ियां दबी। चंबा बस स्टैंड से सटे नाले में अचानक आया उफान, आसपास की दुकानों समेत कई गाड़ियां चपेट में आई। चंबा बस स्टैंड के पूरे इलाके में 2 फुट ऊपर तक फैला मलबा, देर रात जारी रही वाहनों की निकालने की कोशिश। चंबा से ही सामने आए भूस्खलन की खौफनाक तस्वीर, देखते ही देखते चूर चूर होकर गिरा पहाड़। चंबा के भरमौर इलाके में दिखी कुदरत की तबाही, ऊंचाई से चट्टाने गिरने से मिट गया 50 मीटर से ज्यादा सड़क का नामोनिशान। हिमाचल के सिरमौर में भी हाईवे पर टूट कर गिरा पहाड़, भूस्खलन के बीच सड़क पर मची अफरा तफरी। मध्य प्रदेश के दतिया में मूसलाधार बारिश का कहर, उफनती नदी में तिनके की तरह बह गया पुल। कोटा में 3 दिन की लगातार बारिश से हाल बेहाल शहरी इलाके की बस्तियों में कमर तक भरा पानी। वाराणसी में सारे गंगा घाटों पर पानी का कब्जा, मजबूरी के चलते गलियों में हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार। गलियों में अंतिम संस्कार के चलते रिहायशी इलाकों में मुसीबत, लोगों ने ईंट सीमेंट से बंद करवाई मकानों की खिड़कियां। दिल्ली में दलित नाबालिग के रेप और हत्या मामले पर गहर रही सियासत, आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे केजरीवाल। दिल्ली रेप केस को लेकर गृहमंत्री अमित शाह को दी चुनौती, डेरेक ओब्रायन का बयान, अगर शाह ने संसद में बयान दिया तो मुड़वा लेंगे सर। दिल्ली रेप केस के मामले में कांग्रेस ने भी खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा, राहुल और प्रियंका ने ट्विटर के जरिए बोला हमला। दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर भीम आर्मी का भी एक्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली रेप केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, पुलिस को जानकारी दिए बगैर कर दिया गया था अंतिम संस्कार। मंगलवार को साइकिल की सवारी से केंद्र पर राहुल की चढ़ाई, महंगाई और जासूसी कांड के विरोध में संसद तक किया मार्च। साइकिल मार्च में विपक्ष के करीब 100 सांसदों ने लिया हिस्सा, महंगाई और जासूसी कांड को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राहुल के नाश्ते और साइकिल मार्च को बीजेपी ने बताया ड्रामा, मुख्तार अब्बास नकवी बोले पीएम पद की दावेदारी में है आधा दर्जन लोग। सरकार की घेराबंदी के लिए राहुल ने दिया विरोधी एकजुटता का संदेश, विपक्ष के नेताओं के साथ चाय और नाश्ते पर चर्चा। राहुल के ब्रेकफास्ट में नहीं पहुंचे आप से नेता और बीएसपी से भी कोई नहीं पहुंचा।